दोस्तों, अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं तो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन खाता खोलिएगा। क्योंकि आपको एक गलती नहीं करना, अगर वो गलती आप करते हैं ऑनलाइन खाता खोलते समय, तो ना ही आपको पोस्टल एड्रेस पे एटीएम को सेंड किया जाएगा, ना ही पासबुक, और ना ही आपको इंटरनेट बैंकिंग या ना ही मोबाइल बैंकिंग आपको देखने को मिलेगा। बस अकाउंट आपका कोई भी फायदा अकाउंट खोल के नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी गलती आपको ऑनलाइन खाता खोलते समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑनलाइन कैसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट को खोल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन खाता कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खोलना है वहाँ से देख के आप अकाउंट को खोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी गलती आपको नहीं करना है अकाउंट खोलते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको 6 स्टेप में कम्प्लीट करना होता है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहला स्टेप होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेसिक डिटेल्स होता है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स होता है और एड्रेस डिटेल्स होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। फिर नॉमिनी डिटेल्स होता है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सर्विस होता है। तो जो ऑप्शन है एडिशनल सर्विस का, इसी पे आपको क्लिक करना है, यहीं पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो कौन सा मिस्टेक नहीं करना, तो इसी पे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो एडिशनल सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और एडिशनल सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर डेबिट कार्ड आपको दिख जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक। तो जिस पे टिक रहेगा वही आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे इस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। तो जो चाहिए उसको ऑन टिक कर दीजिएगा, जो चाहिए आपको उसको टिक कर दीजिएगा, जो नहीं चाहिए उसको ऑन टिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सबको ऑन टिक कर देता हूँ पहले। और जैसे मुझे आप क्या क्या इसमें चाहिए, तो इस अकाउंट में मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, तो डेबिट कार्ड को मैं टिक कर लूँगा। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग को टिक कर लूँगा। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग को टिक कर लूँगा। चेकबुक मुझे नहीं चाहिए, तो चेकबुक को मैं नहीं टिक कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं। उसका जो जो चाहिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो चाहिए उसको टिक कर लीजिएगा, जो नहीं चाहिए वो अन टिक कर दीजिएगा। उसका सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 6 स्टेप आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे BDKYC कंप्लीट करना होगा। तो BDKYC कैसे करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप BDKYC को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इस अकाउंट के मंथली मिनिमम बैलेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रूरल एरिया का 500 रुपये है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का 500, सेमी अर्बन मतलब छोटे कस्बे का यहाँ पे 1000 रुपये। उसके बाद से यहाँ पे अर्बन और मेट्रो सिटी मतलब शहर का, जो मतलब बड़ा शहर है, उसमें 2000 रुपये तक यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब गाँव में रहते हैं तो 500, और छोटे कस्बे में रहते हैं तो 1000, और बड़े सिटी में रहते हैं तो 2000। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये था इस अकाउंट का फ़ायदा और नुकसान, देख के आप इसको ओपन कीजिएगा। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, और जो जो चाहिए आपको टिक कर देना है, टिक कर देना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी जान सके इस अकाउंट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।